हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हेल्थ। ते तुहाडा सारेयां दा स्वागत है। ते अज असी गल करन जा रहे हां बेका डेक्सामिन मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल्स दे बारे विच, जेडे कि मतलब तुहाडी बॉडी लई बहुत ही ज़्यादा वधिया हुंदे ने। सो इहदे बारे जानकारी देण तों पहलां मैं तुहानूं कहना चाहुंदी हां, जेकर तुसीं इहदे बारे मतलब पूरी जानकारी चाहुंदे तां वीडियो दी लास्ट तक बने रहो। अते जिन्हां जिहड़े भी मेरे चैनल ते नवें ने, जिन्हां ने हजे तक भी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है, वह चैनल नूं सबसक्राइब करो तां कि तुहानूं मतलब कि सारी मेडिसिन्स दे बारे विच जिहड़ी भी जानकारी चाहीदी होवे तुहानूं मिल सके ते तुहानूं नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो अज गल करदे हां मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल बेका डेक्सामिन बारे विच। तुसीं इहदे ते जिवें देख ही सकते हो, इहदे ते लिखिया होया कि 30 कैप्सूल्स की पैकिंग आ, 30 कैप्सूल्स की पैकिंग आ। तो इहदी जिहड़ी मैनुफैक्चरिंग आ उह बनाई हुई है GSK कंपनी द्वारा। GSK कंपनी जिहड़ी हैगी आ, इहदा नाम है ग्लैक्सो स्मिथ कैलिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इहनां दे द्वारा जिहड़ी है इह मतलब प्रोडक्शन कीती गई आ इहदी बेका डेक्सामिन मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल्स की। तो बाकी ये कंपोजिशन की गल करिए कि ये की पाया गया है, तो ये पाया गया है जी थोड़े को विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, फोलिक एसिड पाया गया, कोपर सल्फेट पाया गया, मैगनीशियम सल्फेट वगैरह पाया गया है। बाकी होर सारे मैगनीशियम ऑक्साइड होंदा है, कोपर होंदा है, जिंक होंदा है, तो पोटाशियम कलोर आयोडाइड वगैरह सारे ये मतलब कि जोड़े भी मल्टी विटामिन जिदा मल्टी मिनरल्स होंगे ने सारे ये ऐड किए गए ने, मतलब कि बॉडी लिए बहुत ही ज़्यादा वधिया चीज़ आ। सो सब तो पहला हम एक अगे ये गल करते हैं मतलब ये यूजेस की ने, किस चीज़ लिए इनू यूज़ किया जाता है। सो सब जिमें कि मतलब एक तो जिमें नाम देख के लग ही सकता तुहानू पता मतलब कि एक मल्टी विटामिन है, तो मतलब जिमें साडी बॉडी विच कोई कमी आ जाती है, जिमें सानू कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, अपने आप नू फील होने शुरू हो जाते हैं, जिमें कि मतलब कि शरीर विच सुस्ती सुस्ती पई रहनी, सारा सारा दिन तुहानू लगना कि काम विच मन नहीं लग रहा, जां कोई हैवी काम करन वेले बहुत जल्दी थक जाना, कोई काम करदे वेले थक जाना, जां तुहानू कोई किसी चीज़ लई कह दे काम करन लई कह दे, जां बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाना, बॉडी विच ब्लड की कमी आनी शुरू हो जानी, तो होर भी कई तरह चीज़ां जिवें मतलब कि फेस ते पिंपल वगैरह का वार वार आना, या फिर बाल झड़ने शुरू हो जाने, तो बाकी होर स्किन ते जिवें जख्म हो जाए कोई, तो वह जल्दी ना भरना, जख्म का मतलब जल्दी रिकवरी ना हो पानी, ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां हुंदियां ने इह तुहाडियां कमजोरी दी निशानियां होंदियां ने कि तुहाडी बॉडी विच कमजोरी होनी शुरू हो गई है। सो ये सारे मतलब इन्हां नूं सारियां नूं रिकवर करन लई जिवें कोई मल्टी विटामिन जां मल्टी मिनरल यूज़ किए जाते हैं, सो बेका डेक्सामिन इन्हां चीज़ां लई यूज़ किया जाता है। ये कोई मतलब वो मेडिसन नहीं हैगी कि जिवें तुहाडी कोई बीमारी नूं दूर करे, बीमारी कि मतलब स्पैशली किसी बीमारी लई यूज़ की जाती है, एक कमजोरी लई यूज़ की जाती है, जिदे विच तुहानू दस्सिया कि ए सिम्पटम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं बॉडी विच, ए कमजोरी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, उसनू रिकवर करन लई यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ इनग्रीडियंट्स होंदे ने जिवें कि आपां फूड लैंदे आ, अपनी डाइट लैंदे आ, उहदे विचों सानू ये जिवें कि जिंक, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम वगैरह जिहड़े इनग्रीडियंट आ उह प्रोपरली सानू नहीं मिल पाते अपने फूड विचों, जो असीं रैगूलर फूड लैंदे आ, रैगूलर डाइट लैंदे आ, उहदे विचों कई वार सानू ये मल्टी मिनरल्स नहीं मिल पाते, प्रोपरली साडी बॉडी उहनां नू नहीं लै पाती आ। सो फिर उन्होंने मतलब कि एवें इनटेक लेना पैंदा, एज अ मेडिसन उन्होंने इनटेक करना पैंदा है, उन्होंने मतलब बॉडी विच उन्होंने मात्रा पूरी करनी पैंदी है, नहीं तो बॉडी विच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो वो लक्षण मैं तुहानू दस ही दिते ने की होंगे ने। सो गल करदे आ इहदे प्राइस की, तो इहदा प्राइस इत्थे लिखा हो 46 रुपीज़ आ। ये तुहानू किसी भी OPD वगैरह तो मिल जाती, किसी भी मेडिकल स्टोर तो मिल जाती है। तो गल करिए अगे यदि डोज़ की, कि यदि डोज़ किमें लैनी है तो किन्नी लैनी आ, यदि डोज़ मतलब ये 30 कैप्सूल लिखे हुए, तो एक इट मीनस 30 दिन के ही ने, 30 डेज़ के ने, एक मंथ की थोड़ी ये पैकिंग होंगी है, ये ब्राउन कलर के कैप्सूल होंगे ने। सो एक दिन विच एक कैप्सूल लैना आ, तुसीं इहनू मतलब कि सवेरे जिदा खाना खा लिया उस तो बाद भी लै सकते हो, तो जिवें रात नूं अपना मिल्क लै रहे हो उहदे नाल भी लै सकते हो, मतलब दिन विच एक बार लैना है, वो तुहाडी मर्जी है, तुसीं जदों भी लो,
दिन टाइम लै लो जां तुसीं रात टाइम लै लो, कदे भी लै सकदे हो, उह तुहाडी इच्छा है। ते अगे गल करदे आ मतलब कि एज किन्नी होनी चाहीदी है जिहड़ा बंदा इहनूं लै रिहा जां परसन इहनूं लै रिहा। जो भी परसन इहनूं लै रिहा आ, जो भी बंदा इहनूं लै रिहा, उहदी एज 18 ईयरस दी होनी चाहीदी आ। 18 ईयरस जां 18 ईयरस तों ज़्यादा वाले इहनूं लै सकदे आ, अडल्ट इहनूं लै सकदे आ, 18 साल तों छोटे इहनूं नहीं लै सकदे आ। अगे गल करदे अठारह साल तो छोटे अगे गल करदे आ, जिवें मतलब कि इहदे प्राइस तां इहदा दस चुके हाँ, साइड इफेक्ट दी। ते इहदे साइड इफेक्ट विच की आउंदा आ, साइड इफेक्ट इहदे विच कुछ भी खास चीज़ नहीं आउंदी आ, कोई सीरियस साइड इफेक्ट इहदा नहीं हुंदा आ। बल्कि मतलब कि थोड़ा बहुत आ, जिवें कि कोई साडी गलती नाल जां असीं खाणा खाण तों पहलां इहनूं लै लैंदे आ, या फिर आपां कोई ओवरडोज कर लैंदे जां इहनूं ज़्यादा लै लैंदे आ। गलती नाल सिर्फ एक ही लैणा है दिन 'च, जे आपां दो लै लईए जां तो ज़्यादा। इहनां दा की है कि इह मतलब कि बॉडी दे वेट दे हिसाब दे नाल ही बणे हुंदे आ, बॉडी दे अकॉर्डिंग बणे हुंदे आ। जे तुसीं इहदे 'च ज़्यादा लै लोंगे जां फिर मतलब कि गलत समें ते लै लोंगे, या फिर मतलब कि घट उम्र दा कोई लै लेगा, फिर ये बहुत ज़्यादा सीरीयस तो नहीं होंगे, बट ये साइड इफेक्ट हो जाते कि नोजिया वोमिटिंग आना शुरू हो जाता है। बस ये यही मतलब कि देखा गया है, बाकी होर तो कोई भी इन्ना खास साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सो अज की गल इन्हों बारे में, पिकाडेक्सामिन मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल कैप्सूल के बारे में। आई होप तो मतलब कि वीडियो पसंद आई होगी, तो जानकारी मिली होगी। बाकी इन्हों यूज़ करन तो पहला जो थोड़ा कुछ साइड इफेक्ट लगता है तो अपने डॉक्टर की सलाह लवो। तो बाकी गल ये है कि मतलब 18 साल तो उपर वाले लोग, जो किसी घट उम्र वाले ने, तो डॉक्टर की सलाह लैनी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगी है। डॉक्टर की सलाह के नाल लो, जो तुम कोई होर मेडिसन लै रहे, जो तुम कोई होर मेडिसन लै रहे हो तो भी डॉक्टर की सलाह के नाल ही इनू लवो, क्योंकि कॉन्ट्राइंडीकेशन हो सकती है, तो फिर साइड इफेक्ट ज़्यादा बड़े क्रिएट हो सकते हैं। सो अज की वीडियो इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। तद तक लिए धन्यवाद जी।